अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। हैदराबाद में बहन भाई पर फायरिंग का वाकया है और वाकये की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ पर मुलजिम ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को कार से टक्कर मारी। दोनों के गिरने पर कार सवार मुलजिम ने लड़की पर गोलियां बरसा दी। कार सवार मुलजिम और मकतूला के भाई आकाश में मज़ाहमत भी हुई। आकाश पर फायरिंग के बाद मुलजिम ने कार में खुद को गोली मार दी। तो ये आपको अफसोसनाक खबर बता रहे हैं, इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान आरई से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कासमाबाद का इलाका है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ। इसके इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मौसूल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार सवार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद दोनों बहन भाइयों को नीचे गिराया और उसके बाद उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में युसरा जो है जो वकालत की कारदा है मौके पर जहाँ भाग हो गई, जबकि आकाश जो है इस वक्त शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद में जेर इलाज है। जबकि जो मुलजिम है इरशाद खोकर, उन्होंने गाड़ी में बैठने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस हवाले से पुलिस की जानब से जो अब तक तफ्तीश की गई है उसमें बताया जा रहा है कि जो मुलजिम है उसकी जानब से उसके भाई के साथ आकाश के साथ जो है झगड़ा रोनुमा हुआ था, जिसके बाद ये वाकया पेश आया और मुलजिम की जानब से फायरिंग की गई। तो इस वक्त पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें जो मकतूल है, जो हमलावर है, उसके वर्षा से तफ्तीश मजीद की जा रही है कि इसके पीछे पहलू क्या है। तमाम इब्तदाई तौर पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को मिली है, जिसमें साबित हुआ है कि कार सवार ने बाकायदा निशाना बनाया, ताकुफ किया और उसके बाद दोनों बहन भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया। जी ठीक है इरफान आरई, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।